सभी दीदियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सभी दीदियाँ मुझसे कॉल भी कर रही हैं, कमेंट बॉक्स में बार बार एक ही सवाल वो बार बार पूछे जा रही हैं कि दीदी समूह में कौन सा पैसा आता है, कितना पैसा आता है, ग्राम संगठन में कितना पैसा आता है, क्लस्टर में कितना पैसा आता है, ये पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे मिलते हैं, सारी जानकारी हम लोग को दीजिए, तभी तो हम लोग समूह में जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। क्या फ़ायदा है समूह से जुड़ने में, हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो आज उन्हीं दीदियों के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ कि दीदियाँ समूह में जुड़ने से काफ़ी फ़ायदे हैं, आप इस बात को ध्यान दें और समूह न छोड़ें। आप लोग सोचती हैं कि समूह में हम जुड़ गए, बचत कर रहे हैं, जो दीदी ले रही हैं उनको फ़ायदा, हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग समूह में नहीं जुड़ेंगे, निकल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो ऐसा न करें। समूह में जुड़ने से काफ़ी फ़ायदे हैं, पहले आप उस बात को जानने की कोशिश कीजिए। प्रेरणा टीवी चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी, मैंने बहुत सी जानकारियाँ दे रखी हैं और जहाँ तक कोशिश करी और भी जानकारियाँ आपको दे सकूँ। तो दीदी ध्यान से अब मेरी बातों को ध्यान दें। समूह में कितने पैसे आते हैं, पहले ये सवाल आपका है। समूह में 15,000 आरएफ आता है और 2,500 स्टार्टअप फंड आता है। तो ये ना सोचे कि हमारे समूह में तो 1,500 आया है, 1,500 क्यों आया है। अगर आपके समूह में पहली बार पुस्तक जो लिखने के लिए मिलती है रजिस्टर, अगर सरकार द्वारा आपके पास उपलब्ध कराई गई है, तब आपके खाते में 1,500 रुपया स्टार्टअप आएगा। अगर रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराई गई है तो आपको 2,500 आएगा। उसके बाद आपको आरएफ निधि आएगी 15,000। ये 15,000 आरएफ रिवॉल्विंग फंड होता है, जिसे चक्री निधि कहते हैं। चक्री निधि का मतलब दीदी हो गया घूमने वाला पैसा, चक्र की तरह घूमता रहेगा आपके समूह में, ये सरकार वापस नहीं लेता है, ये बस समूह को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। और जो वो दीदियां बचत करती हैं उन्हें कम पैसा लगता है, वो लेन देन नहीं करना चाहती, बंद कर देना चाहती हैं, इसीलिए सरकार पहले 15,000 रिवॉल्विंग फंड दे देता है कि दीदी पैसा लेकर अपना छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करें और लेन देन करती रहें। फिर उसके बाद आ जाता है CIF। CIF आता है 1,10,000, लेकिन वो पैसा दीदी रिटर्न करना होता है ग्राम संगठन में। मैंने वो कैसे वापस करना है उसका वीडियो दे रखा है, आप उसमें जाके देख सकती हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगी तो आप जाकर देख सकेंगी सारे वीडियो को, कैसे कौन सा पैसा आता है और कैसे दिया जाता है। तो आपको बता दिया मैंने, आरएफ स्टार्टअप आ गए, आरएफ आ गया, अब CIF आ गया। CIF को ग्राम संगठन में जमा करना होता है नियम अनुसार। उसके बाद आपके समूह में CCL हो जाएगा। CCL कैसे होता है, CCL करने के तरीके क्या हैं, आपको 5 सूत्र का पालन करना होगा, नियमित लेन देन करना होगा, नियमित बैठक करनी होगी, रजिस्टर का लेखा जोखा ठीक प्रकार से करना होगा, तभी आपका बैंक लिंकेज हो सकेंगे। आपके अगर बैंक लिंकेज हो जाएंगे तो आपको लेन देन करने में आसानी होगी। और आपको दीदी बैंक द्वारा 5 लाख का लोन मिल सकता है, और अब तो सरकार ने उसको 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया है मुद्रा लोन के तहत। उस समूह की CCL को भी जोड़ा जा रहा है। और देखिए दूसरा है ग्राम संगठन में आने वाला पैसा। ग्राम संगठन में कौन कौन से पैसे आते हैं, अब साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं, 75,000 स्टार्टअप फंड। और दीदी ग्राम संगठन में 75,000 स्टार्टअप फंड आता है, इसे भी आपके ग्राम संगठन में सामान खरीदने के लिए, लेन देन और जो है जो भी ज़रूरत के सामान है उसको लेने के लिए आता है स्टार्टअप फंड। स्टार्टअप फंड का मतलब हो गया आपको शुरुआत करने के लिए ग्राम संगठन को जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ आप ले सकती हैं, जैसे अलमारी हो गया, मेज कुर्सी हो गया, दरी बक्सा हो गया, जो भी आप ग्राम संगठन में बैठ के सहमति, महिलाओं इसी सदस्यों द्वारा सहमति लिया जाता है कि कौन सी वस्तु जरूरी है और कौन सी नहीं, जो ज़रूरत के सामान हैं उसे लिया जाता है स्टार्टअप फंड से।
उसके बाद दीदी ग्राम संगठन में पहले स्टार्टअप आ गया, उसके बाद आता है कौन सा है VRF का पैसा। अब दीदी सोचते हैं कि VRF का पैसा कौन सा पैसा होता है, तो ये दीदी 1500 प्रति सदस्य, ध्यान दे 1500 प्रति सदस्य VRF जोखिम निवारण निधि हो, स्वास्थ्य, कुपोषण, दुर्घटना, आकस्मिक कोई भी जो है दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए ये ऋण आता है। ये ऋण के तौर पे नहीं दिया जाता है, ये महिलाओं को दे दिया जाता है ग्राम संगठन की सहमति के हिसाब से, जो भी दीदियों को दिक्कत हो दिया जाता है, फिर उसको वापस लिया भी जाता है, लेकिन उसका ब्याज नहीं लगता है। और कुछ पैसे तो दे अनुदान के रूप में दे भी दिए जाते हैं जो वापस नहीं लिया जाता है, वो ग्राम संगठन पर निर्भर होता है कि कौन सा निर्णय लेना है। 1500 जैसे अब आपको मैं बता दूँ 99 महिलाओं का, जैसे एक ग्राम संगठन में 99 महिलाएं हैं, 1500 गुणे 99 तो हो गया 147,000 रुपये। तो पहली किस्त आप समझिए 60% आता है, अगर पहला किस्त 60% आएगा तो 88,200, और बाद में जो राशि है 58,000 वो बाद में दिए जाएंगे, क्योंकि 60% जोखिम निवारण निधि पहले दे दिया जाता है, फिर उसका देखते हैं कि ग्राम संगठन कैसे चल रहा है, ये लेन देन सही कर रहे हैं कि नहीं, आपके सारे बायोडाटा को देखा जाएगा ग्राम संगठन किस प्रकार चल रहा है, तो उसके बाद 40% बाद में दिया जाएगा। और उसके बाद दीदी ग्राम संगठन में, हर ग्राम संगठन में, यह नहीं कि एक ग्राम संगठन में आ गया दूसरे ग्राम संगठन में नहीं आएगा, क्लस्टर में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर ग्राम संगठन में 2,00,000 रुपये लाइवलीहुड फाउंडेशन आता है, हर ग्राम संगठन में जितने भी आपके समूह बने, 10 समूह बन गए हैं उस पर एक ग्राम संगठन बन गया है, तो उस ग्राम संगठन में 2,00,000 रुपये लाइवलीहुड फाउंडेशन आता है, वो क्लस्टर में नहीं जमा होता है, वो सदस्य इसी सदस्य सहमति से समूह की महिलाओं को देती हैं जो भी आजीविका चलाने के लिए, और सदस्य को एक दर से काम करने के लिए 25 पैसा समूह में रहता है और 75 पैसा ग्राम संगठन को देना होता है। सदस्य जो है समूह में 1% दर से देती हैं, 25 पैसे समूह में रखा जाता है और 75 पैसे ग्राम संगठन को देना होता है। उसके बाद आ जाता है संकुल संघ संगठन। संकुल संघ संगठन किसे कहते हैं, वो क्लस्टर को कहा जाता है। क्लस्टर में 3,50,000 रुपये स्टार्टअप फंड आते हैं, स्टार्ट करने के लिए क्लस्टर को 3,50,000 स्टार्टअप फंड आते हैं। CIF 110,000 आजीविका के लिए आते हैं, 1 दर से रोजगार के लिए। CIF 110,000 आजीविका 1% दर से रोजगार के लिए। और दीदी मैं आपको बता दूं लाइवलीहुड फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। काफ़ी दीदियां सवाल कर रहे हैं कि लाइवलीहुड फाउंडेशन किसके लिए पैसा दिया जाएगा, किसके लिए नहीं दिया जाएगा, हम लोग को तो नहीं मिलता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है लाइवलीहुड फाउंडेशन तो इसका अर्थ ये होता है धनराशि, जो लाइवलीहुड फाउंडेशन का मतलब अर्थ हो गया धनराशि जो किसी स्थापित कार्य के लिए दिया गया हो, जो किसी स्थापित कार्य के लिए दिया गया हो। तो स्थापित कार्य कौन कौन सा हो सकता है आप समझ जाइए, जो भी आप स्थापित करें कि हमेशा के लिए रहे, स्थापित कार्य के लिए लाइवलीहुड फाउंडेशन का पैसा दिया जा सकता है। और भी आपको अगर जानकारियाँ चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको चाहिए मैं कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकती हूँ दीदी, क्योंकि मैं आपके ही अनुकूल वीडियो बनाती हूँ। जब कोई दीदियाँ मुझे कोई क्वेश्चन करती हैं मैं उसी के ऊपर ही वीडियो बना के देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। दीदी आप लोग से अनुरोध है सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि समूह की हर महिलाओं को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके ही अनुकूल वीडियो डाले जाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, क्योंकि हर जगह जो भी दीदियाँ मुझे बताती हैं आधी अधूरी जानकारी रहती है। तो जैसे ये दीदियाँ लाभ उठा रही हैं
मेरा वीडियो देखकर मुझसे कॉल कर कर बात कर सकती हैं। मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ, हर समूह की समस्याएं दूर होनी चाहिए और समूह को आगे ले जाने के लिए मुझसे जहाँ तक बन पड़ रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई समूह टूट ना पाए, जितना भी मुझसे कोशिश करते बना, चाहे वीडियो द्वारा या आसपास जो भी समूह मेरे यहाँ चल रहे हैं, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कोई समूह टूटने ना पाए। मजबूरी तो सबकी है, तभी तो समूह में जुड़े हैं। कोविड की वजह से काफ़ी लोग परेशान भी दिख रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग को समूह को नहीं तोड़ना है। आपस में बैठकर एक दूसरे बहन का समस्या समझे और समूह को बढ़ाते रहें, आगे चलाते रहें। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। और स्वयं सहायता समूह की नई नई जानकारियां प्राप्त करें, इसके लिए हमारे चैनल प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।